नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। 3 दिन चलने वाला ईद आज बड़ी खुशियों का दिन है। 5 जून 2019 बड़े उल्लास के साथ, खुशियों के साथ ईद मनाया गया। ईद मुबारक हो सभी को। एक माह से रोज़ा रखने वाले पवित्र रमजान माह माना जाता है और वहीं पर विश्व पर्यावरण दिवस भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। इधर ईद और पर्यावरण अच्छा संदेश रहा है। ईद के खुशियों में पेड़ भी लगाना चाहिए। जब पर्यावरण साफ़ सुथरा रहेगा तो आने वाले मानव जातियों के लिए भी खूबसूरती और भी बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईद के साथ विभिन्न तरह के पेड़ लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और यह पेड़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मानव जाति के लिए स्वच्छ सुंदर पर्यावरण साफ़ सुथरा बनाने के लिए आज हमें बहुत आवश्यकता हो गया है। इसलिए पेड़ के लिए विशेष तौर से आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आप इसे भी खुशियों के साथ मनाइए। आगे रिपोर्ट। मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज ईद का मौसम है और ईद आज जो है बड़े धूमधाम से पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनाई जा रही है। और हमारे साथ आज जो है ईद को लेकर कितने खुश हैं, हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं। हम उससे पूछना चाहते हैं, ईद के खुशी में आप कितना क्या इजहार करते हैं और किस तरह से लोगों को एक साथ एकता और अखंडता और भाईचारा के साथ रहना चाहिए। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। तो सर, आप जो है ईद को लेकर देखने में अच्छा लगा कि कोई शोर हंगामा नहीं हुआ, यानी अच्छे से ईद मनाई गई और कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हल्ला कुछ नहीं हुआ, सही से ईद मनाया गया और बड़े धूमधाम से ईद मनाया गया। जी, आज समय वगैरह बना है आपके यहाँ? हाँ, अपने जानने वाले को खिलाया भी बनाई दूध। जी, अच्छा लगा। जी, और सब आए गए, मिले जुले, उसको नाश्ता भी खिलाया, समय दूध भी खिलाया। ईद के खुशी में अच्छा लगा, एक दूसरे से गले मिलने में, ईदगाह में बड़ा धूमधाम से नमाज हुए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ। बड़ी खुशी की बात है कि कोई हल्ला शोर हंगामा नहीं हुआ। जी, अच्छे से ईद मनाएगी। तो ईद में क्या क्या, सबसे पहले आप क्या करते हैं ईद में? ईद में पहले तो हम रोजा रहते हैं पूरे एक महीना। उसके बाद ईद में पहला काम जरूरी नए कपड़े, उसके बाद समय नाश्ते में मीठी ईद है, और सब जो आते हैं मिलने जुलने उसको खिलाया जाता है दूध समय, और यही है हम लोग का त्यौहार। जी, तो ईद की शुभकामना के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो ईद की शुभकामना के लिए और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से रहना चाहिए? अच्छे प्यार मोहब्बत एक मिलजुल के रहे, एक दूसरे से आपस में मिल कर रहे, अच्छी बात है। जैसे अभी हम लोग रहे ईदगाह में, आपस में मिलजुल के नमाज पढ़े, सब कुछ में ऐसे ही रहना चाहिए। बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा लगा देख कर। और कुछ कहना चाहते हैं जी? क्या अब क्या बोले, बहुत बढ़िया है। आज वृक्षारोपण दिवस भी है। हाँ, आज एक साथ दो दो त्योहारें भी है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात है, सबका त्योहार एक साथ है। वृक्षारोपण जिसे पर्यावरण के लेके, हाँ, जिस तरह से साथ में है। जब पर्यावरण रहेगा तभी तो मानव जीव जंतु रहेंगे। हाँ, तो पर्यावरण होना बहुत जरूरी है, पेड़ पौधे लगाना हाँ, जरूरी हाँ, है बहुत जरूरी है। पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो कहीं छांव भी नहीं मिलेगा रहने को। जी, धूप से बचने को, ठीक है। लोकतंत्र की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। भारत में विभिन्न तरह के लोग अपने अपने नज़रिया से त्यौहार मनाते हैं। तो आज एक माह से मुस्लिम समुदाय के लोग पवित्र रमज़ान माह 5 जून 2019 को ईद बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। उसी दिन 5 जून 2019 को पर्यावरण दिवस भी बड़े उल्लास के साथ जगह जगह पर पेड़ भी लगाए गए। आपको मैं बता दूं, पर्यावरण साफ करने के लिए पेड़ भी लगाने बहुत ज़रूरी हैं। भारत में बड़े धूमधाम से विभिन्न समुदाय के लोग प्यार मोहब्बत